सजयति हरिवंश चंद्र नाम वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयति। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम् प्रेमामृतैक मकरंद रसोभूणम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वाहयत् परमशीतलम् आश्रयामि आश्रयामि श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री वृंदावन रज रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरि वंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरि वंश दुलारी वृंदावन धन धन राधाना प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धन धन राधाना प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। ओ धन धन राधा प्यारो सुंदर श्याम धन धन राधा प्यारो सुंदर श्याम। ओ धन धन राधा हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधाना प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधाना प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धन धन राधाना प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धन धन राधाना
दुलारी जय वृंदावन धाम घन घन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम राधा 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 श्री राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा संत भक्तन की जय व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइए जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाइए रास मध्य ललितादिक प्रार्थना झुकीनी करते सुकुमारी प्यारी वंशी सब दीनी सुई कली प्रकट रूप वंशी वपुधार्यो कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो निश्चित रूप से किसी भी दृष्टि से ज्ञान कर्म अथवा भक्ति किसी भी दृष्टि से किसी भी प्रयास अथवा किसी भी साधन में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो श्री वृंदावन एवं उसके रस रहस्य को प्रकट कर सके अनुभव किंवा आस्वादन का विषय बना सके। उपनिषद कहता है कि उस परम तत्व तक पहुंचने का मार्ग उस परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग केवल वही परम तत्व जानता है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। वही जिसे चुनता है, वही जिस पर अनुग्रह करता है, वही जिस पर कृपा करता है, वही हृदय अभिलाषी बनता है उस रस को प्राप्त करने का। उसी हृदय में अभिलाषा जगती है, उसी हृदय में लालसा उत्पन्न होती है, उसी को मार्ग मिलता है और उसी को उपलब्धि भी होती है। भगवत भजन के मार्ग पर भजन की लालसा ही मार्ग है। जितनी उत्कृष्ट जितनी प्रगाढ़ भजन की लालसा है उतना सीधा आपका रास्ता हो जाएगा। वैसे तो जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं, निर्भ्रांत सत्य तो यह है कि वो विषय वस्तुतः चर्चा का विषय ही नहीं है। वृंदावन के रसिकाचार्य ने तो कहा है कि स्नेह में गोष्ठी कहा। इस प्रगाढ़ प्रेम की उपासना में बड़ी सुंदर बात एक ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि तीन लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाय जगमग रयो जड़ावसो श्री वृंदावन माय। यद्यपि प्रेम की सत्ता सर्वत्र है क्योंकि वस्तुतः प्रेम ही केवल इस सृष्टि का नहीं, प्रेम ही इस समग्र अस्तित्व का आधार है। प्रेम के बिना
प्रेम के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं है। लेकिन ध्रुवदास जी कह रहे हैं प्रेम कहूं ध्रुव नाही। ध्रुव का एक अर्थ होता है अखंड, अटल, जिसका क्षय ना हो। तो बोले प्रेम तो सर्वत्र है, किंचित प्रेम की छटा का दर्शन भी यत्र तत्र होता है, लेकिन प्रेम का जो विशुद्धतम स्वरूप, प्रेम का जो प्रगाढ़तम स्वरूप, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। अब या में मिलौनी मिले ना कछु, जब खेलत रास सदा वन में, जिसमें आद्योपांत केवल एक प्रेम का ही ऐश्वर्य और प्रेम का ही माधुर्य प्रकट हो रहा है, ऐसा प्रेम यदि है तो वो वृंदावन में है। माने जिस प्रेम में, जिस विशुद्ध भाव में न तो धर्म कर्म की कोई आवश्यकता अथवा अपेक्षा है। बड़ी सुंदर बात एक गोस्वामी जी कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ज्ञान को संकल्प का आश्रय है, कर्म को धन आदि साधनों का आश्रय लेना पड़ता है, आश्रित होना पड़ता है। बोले लेकिन भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र है, उसको किसी का आश्रय नहीं है। और फिर यदि बात वृंदावन की हो तो रसिक कहते हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है। प्रेम लक्षणा भक्ति, माने भक्ति भी जब अपने भाव का अतिक्रमण करके, श्रीमद् भागवत कहती है इस ब्रज रज का स्पर्श पाते ही भक्ति महारानी भी नृत्य करने लगती है, उल्लसित हो जाती है। भक्ति यद्यपि स्वयं में एक उल्लास है, भक्ति स्वयं में एक आनंद है, लेकिन ब्रज रज का स्पर्श पाते ही इस वृंदारण्य की, इस निकुंज की सीमा में आते ही वो भक्ति भी उल्लसित होकर नृत्य करने लगती है। प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम का एक बड़ा विचित्र स्वभाव है कि प्रेम जिसका स्पर्श करता है, एक तो उसको तद्रूप कर देता है, तदाकार कर देता है, और दूसरी बात कि प्रेम कोई नियम नहीं रहने देता। प्रेम के अपने कुछ नियम हैं, और प्रेम का सबसे पहला नियम यही है कि प्रेम किसी नियम को रहने नहीं देता। प्रीत न काहू की कान विचारे, हितरीवंश महाप्रभु कहते हैं, प्रीति न काहू की कान विचारे, जिसे कोई बांध ना सके, जिसे कोई सीमा सुनिश्चित ना कर सके। उपनिषद कहता है उस परम तत्व का, उस रस स्वरूप का एक ये रूप है, सर्वतंत्र स्वतंत्र। और वृंदावन के प्रेम का वैभव आप दर्शन करेंगे, वृंदावन के प्रेम के वैभव का आप आस्वादन करेंगे, तो आपको सबसे पहली बात यहां क्या मिलेगी कि दौर दौर जब हार थक्यो, रस खान बतायो ना लोग लुगायन, देखियो छिप्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। वो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर, जिसका ऐश्वर्य कितना है वो स्वयं भी नहीं जानता, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर भी यहां इस प्रेम का, इस भाव का, इस रज का स्पर्श पाते ही बंध जाता है। सबसे पहले ये नियम भंग होता है, सबसे पहले उसका ऐश्वर्य अनावृत हो जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वैसे तो जिस विषय की चर्चा के लिए आप हम सब लोग यहां पर आए, वो चर्चा का विषय ही नहीं है। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, सूक्ष्म सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम, अविच्छिन्नम। पर इसी के साथ साथ रसिकों ने मार्ग भी दिया है कि बिस्तरत सुनत गावत रसिक नित नित लीला रस पियत। एक रसिक के पास, अपने एक प्रेमी के पास अपने प्रेमास्पद की चर्चा करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग भी नहीं है। इसीलिए मैं इस दिव्य स्थान पर, इसी स्थान का, इस रज का, यमुना रसरानी के इस परम मनोहर कूल का आश्रय लेकर आज के भाव में मैं प्रवेश करूं। उससे पहले मैं एक निवेदन कर देना चाहूंगा कि मैं श्री हितरिवंश महाप्रभु के हृदय स्वरूप, हृदय स्थान है किसका? हृदय स्थान है प्रेम युक्त अभिलाषाओं का। संकल्प हृदय में नहीं रहता, संकल्प बुद्धि करती है, हृदय में भाव रहता है, हृदय में अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाने की सुंदर मनोहर अभिलाषा रहती है। हितरिवंश महाप्रभु के हार्द स्वरूप ग्रंथ श्रीमद राधा सुधा निधि के भाव में हम लोग प्रवेश करें। एक तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि भाई यहां पर कोई कथा कहानी होने नहीं जा रही है, ये प्रेम की बात है, प्रेम का प्रवाह है। श्री जी के नाम का आश्रय लेके, श्री जी के धाम का आश्रय लेकर बैठोगे तो किंचित आस्वादन होगा, अन्यथा
बात अगर बुद्धि की आए तो सबकी बुद्धि में प्रकाश करने वाला भी यहाँ अपना ऐश्वर्य छोड़ देता है, उसे छोड़ना पड़ता है, तभी इस प्रेम रस का आस्वादन होता है। रासमंडल अधिष्ठात्री के श्री चरणों में बैठकर, श्री चरणों का आश्रय लेकर, एक तो ये भाव अपने मन में न रखना कि यहां कोई कथा कहानी सुनने आए हो, प्रेम की चर्चा है। मैं राधा सुधा निधि के एक शब्द का भी वर्णन करने में असमर्थ हूं, और यदि मैं प्रयास करता हूं तो वो धृष्टता होगी। केवल रसिकों ने प्रिया जी का जो यश विस्तार किया है, हमको उसी प्रवाह में बहकर, जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, हमको बस उसी प्रवाह में बहकर किंचित विस्तरत सुनत गावत रसिक नित नित लीला रस पियत। ये नित्य बिहारी की ये नित्य लीला, ये नित्य लीला रस जो वृंदावन की इन्हीं कुंज गलियों में प्रवाहित होता है, केवल इन्हीं कुंज गलियों में, यद वृंदावन मात्र गोचर महो, न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव शुकादीनाम तु यद्ध्यानगम, जो केवल यही प्रवाहित होता है और जिसका प्रकट प्रत्यक्ष दर्शन सेवन किए बिना सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन युगल चरणों का प्रेम असंभव है। तो श्री जी की बड़ी अपार कृपा है, उनके प्राकट्य का, उनके आविर्भाव का महामहोत्सव है, ब्रज का ये महामहोत्सव है। उन्होंने इस सुंदर समय, इस सुंदर अवसर पर ये सुंदर स्थान, ये सुंदर भाव हमको दिया है। महाप्रभु के हार्द ग्रंथ श्रीमद् राधा सुधा निधि के भाव प्रवाह में हम सब लोग निमज्जन करेंगे। महाप्रभु के श्री चरणों की रज अपने मस्तक पे धारण करके, रासमंडल महारानी के श्री चरणों का आश्रय लेकर, दो क्षणों के लिए वृंदावन धाम का जय घोष करेंगे और इस भाव में प्रवेश करेंगे। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्यामा जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, तुझे जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, तुझे जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, तुझे जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, तुझे जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन। आप सब लोग थोड़े आगे आगे होकर बैठिए। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, तुझे जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, तुझे जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय 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 जय वृंदावन वृंदावन।
तुझे जय वृंदावन वृंदावन तुझे जय वृंदावन वृंदावन जय जय वृंदावन 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 यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोऽथ धन्याति धन्यपवनेन कृतार्थमा योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभूरिषः यदि एक निष्पक्ष दृष्टिपात किया जाए तो एक भाव भरे प्रेम भरे स्तोत्र काव्य का ऐसा सुंदर मंगलाचरण कहीं और देखने में नहीं आता। कोई अपने इष्ट के नाम को प्रणाम करता है, कोई रूप को, कोई लीला को, कोई उनके धाम को, पर कैसी महाप्रभु के हृदय की सुंदर भावना है, अतुल्य भावना है। यस्याः कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्याः नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशे। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं ना, जीहि देश प्रीतम बसे ताहा की प्यारी लागे पौं। जिस देश में प्रियतम बसता हो बोले वहां की पवन भी प्रिय लगती है, वो कहीं ना कहीं प्रियतम के श्री अंग का स्पर्श करके आती है। हमारे बड़े बाबा कहते थे जब राधा वल्लभ लाल के सन्मुख आप बैठते हो, सन्मुख आप दर्शन करते हो, तो प्रसाद की याचना मत करो, अरे जो प्रकाश जो वायु जो सुवास श्री जी के श्रीअंग का स्पर्श करके आ रही है वो सब प्रसाद ही तो है, वो सब तन मन को निर्मल करने वाली है, वो सब जन्म जन्मों की अग्राशि को पाप राशि को नष्ट करने वाली है। एक एक बात मैं आरंभ में ही निवेदन कर दूं, इस रस को ग्रहण करने का और इस रस को धारण करने की जो योग्यता है या इस रस का आस्वादन करने की जो पात्रता है, एक कृपा ते जो कछु होई, या रस को साधन नहीं कोई, भजन साधन नहीं है, ज्ञान ध्यान तहां सकल प्रयास साधन नहीं है, एक कृपा ते जो कछु होई और सो कृपा उपजे की भांति रसिकन संग फिरे दिन रात। और दूसरी ओर ध्रुवदास जी कहते हैं बोले सब कुछ पा लेना सरल है, नेही दुर्लभ पावना। इस संसार में प्रेमी का मिलना दुर्लभ है, नेही का मिलना दुर्लभ है। यथार्थ में किसी के प्रेम किसी के भाव पर अपना सर्वस्व किसी ने न्यौछावर कर दिया और बोले ऐसा प्रेमी मिलना दुर्लभ है, नहीं दुर्लभ पावना, वो नहीं मिलेगा। इसीलिए शायद उस परम दुर्लभ विषय को, उस परम दुर्लभ तत्व को, उस परम रस को जो आस्वादन करने की पात्रता प्रदान करते हैं, जिनकी कृपा अस्मदादि साधारण जीवों को, अस्मदादि कलुषित जीवों को उस रस का आस्वादन करने की योग्यता देती है, उन रसिकों की कृपा इस वृंदावन धाम में प्राप्त होती है। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य। यहाँ के रसिक गाते हैं महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। ये वृंदावन धाम की महिमा है, ये वृंदावन धाम का अतुलित गौरव है कि यहां इन कुंज गलियों में घूमने वाला
केवल इन कुंज गलियों में भटकने वाला भी कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं उस रस की किंचित सुवास पा लेता है, कहीं ना कहीं उस रस का छींटा उस पर पड़ जाता है। इस रस का आस्वादन करने के लिए जो योग्यता, जो पात्रता चाहिए, जो एलिजिबिलिटी चाहिए, वो केवल केवल और केवल वृंदावन में ही प्राप्त होती है। वो केवल वृंदावन का ही प्रकट सेवन करने पर प्राप्त होती है। श्री हितरिवंश महाप्रभु ने अपनी असीम कृपा के वशीभूत होकर पर उपकार देह धरणम, जब भी कोई भगवत स्वरूप, जब भी कोई भगवत भावना भावित महापुरुष किंबा रसिक भक्त जब इस धराधाम पर आता है तो उसके आने का हेतु होता है, कोई ना कोई कारण होता है। जब प्रभु किसी किसी रूप को धरकर आते हैं, तदात्मानम सृजाम्य हम, जब भगवान अपने आत्मस्वरूप को भेजते हैं, कोई ना कोई हेतु होता है। हितरिवंश महाप्रभु के इस धराधाम पर आगमन का हेतु क्या है? पर उपकार देह धरणम। श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं कि जो रस देवादिकन को दुर्लभ है, ब्रह्मादिकन की जा रस में गम नहीं, सोई रस हितजो प्रकट कर दीनो निसंक सबके कल्याणार्थ। जिस रस के लिए रसिकाचार्य कह रहे हैं कि अगम निगम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मेश नारदादीनाम यत्र आशापि सुदुष्करा। मैंने आरंभ में ये एक बात कह दी कि मैं कोई कथा कहानी नहीं कहूंगा, रसिकों की बात है, रसिकों की बात का आश्रय लेकर, आधार लेकर प्रिया और लाल के यश का हमको विस्तार करना है, उस भाव में हमको निमज्जन करना है। और जब मैं चिंतन करता हूं रसिकों की वाणी का, तो एक एक शब्द मंत्र है, आप ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। एक एक भाव अपने आप में पूर्णता को लिए है, एक एक भाव अपने आप में आपको कोई ना कोई नवीनता लिए मिल जाएगा। कितने आश्चर्य की बात है कि हितरिवंश महाप्रभु ने उस नित्य विहार का गान किया 84 पदों में, केवल 84 पद महाप्रभु ने गाए। और नित्य लीला में कोई बहुत ज्यादा विस्तृत लीला चिंतन भी नहीं है, भोर से सांझ तक सहचरियों की सेवा है, प्रियालाल को सुख पहुंचाने का प्रयास है, और प्रियालाल की उस रस की बिलसन है सखियों को और वृंदावन धाम को सुख देने के लिए, केवल एक ये भाव है। और देखिए अद्यावधि आज के दिन तक नित्य प्रति रसिक अपने अपनी नवीन उद्भावनाओं का उद्गलन करते हैं। जाने कितने रसिकों ने अपने हृदय के भावों से प्रिया और लाल को लाड़ लड़ाया है, वृंदावन धाम की रस माधुरी गाई है, वो एक भाव है, केवल एक भाव। जयति नव कैशोर मिथुनम, कि वृंदारण्य की निकुंज सीमा में हितरिवंश महाप्रभु का वो आराध्य तत्व जो है वो नित्य प्रति क्रीड़ावान है, क्रीड़ा प्रमत्त है। केवल उस एक भाव का आश्रय लेकर आज तक रसिक लोग नित्य नई भावना की रचना करते, एक शब्द आपको दूसरे से मिलता नहीं मिलेगा। नित्य नवीन उद्भावना है, नित्य नवीन भावना का प्रकट हो रहा है इस वृंदावन धाम की कृपा से। केवल एक भाव है, तो इस रस को धारण करने की, इस रस का चिंतन आस्वादन करने की जो योग्यता है वो वृंदावन की कृपा से मिलती है। क्यों? क्योंकि जो रसिक इस रस को बिलसते हैं, उन्हीं का संग हृदय में इस रस की उत्कंठा जगाता है। तो कृष्णचंद्र महाप्रभु कह रहे हैं यत्र आशापि सुदुष्करा, किंचित चिंतन करोगे इस बात का, किसका नाम लेते हैं? ब्रह्मेश नारदादि नाम। बोले ब्रह्मा और नारद जैसे परम भागवत, जिनके हृदय से एक क्षण के लिए भी गोविंद के चरण कमल हटते नहीं, जिनका मन मधुकर एक क्षण के लिए भी, एक निमेश मात्र के लिए भी भगवान मुकुंद के चरण कमलों का मकरंद पान करना नहीं छोड़ता, वो परम भागवत, श्री कृष्ण की रूप माधुरी में दिन रात डूबे रहने वाले परम भागवत। और यत्र आशापि सुदुष्करा, बोले उनके लिए तो इस वृंदावन धाम की माधुरी, इस वृंदावन धाम का रस, इस वृंदावन रस की आशा अभिलाषा भी दुर्लभ है, उनका अधिकार नहीं है वो रस। निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सब ते दूर, कियो प्रकट हरिवंश जो रसिकन जीवन। वो रस,
जो रस सबते दूर। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, बोले आप जिस वृंदावन रस की बात करते हैं वो रस तो कहीं वेद में दिखाई नहीं देता, उस रस का वर्णन तो कहीं पुराणों में नहीं मिलता, आप जो बात कहते हैं वैसी तो एक भी बात हमारे शास्त्र पुराणों में नहीं लिखी है। स्वयं भगवान की स्वरचित भाषा जिसे हम लोग वेद कहते हैं, जब वेद उस रस का उस तत्व का स्पर्श ही नहीं कर पाते, वेद उसके विषय में जानते ही नहीं, इसीलिए वृंदावन रस का एक नाम है रहस्य रस। एक तो ये रहस्य है, सबके लिए सुलभ नहीं है, प्रत्येक इसका आस्वादन नहीं कर सकता। चढ़ के मैन तुरंग पे और निकसे पावक माए, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको ही निभतना। उस काल से जब हिज्जी महाराज ने ये रस प्रकट किया, जब प्रिया जी के श्री चरणारविंद की ये चमत्कारिणी भक्ति, बड़ी सुंदर बात महाप्रभु कहते हैं, यस्याः प्रेम घनाकृते पदनक ज्योत्सना भरस्नापित स्वांतानाम समुदेति कापि सरसा भक्ति चमत्कारिणी। चमत्कारिणी भक्ति, केवल भक्ति कहने से महाप्रभु को संतोष नहीं हुआ। अगर केवल भक्ति कहते हैं तो प्रिया जी के श्री चरणारविंद का जो रस वैभव है उसका वर्णन करने में किंचित साधारण भाव आ जाता है। यद्यपि जीव के हृदय का जो सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि जो भाव है उसका नाम भक्ति है। भगवान में प्रगाढ़ कोटि की आसक्ति उसे भक्ति कहते हैं। लेकिन हिज्जी महाराज जिस आसक्ति की बात करते हैं, जिस रस की जिस भाव की चर्चा करते हैं, उनको केवल भक्ति कहने से संतोष नहीं होता। भक्ति तो भगवान की होती है। यदि प्रिया जी के श्री चरणों के, श्री श्री राधिका के श्री चरणों के उस प्रगाढ़ सुंदर भाव को भी यदि भक्ति कह दे तो महाप्रभु को लगता है कि जैसे ये भाव साधारण हो गया। इसीलिए कहते हैं कापी, कोई ऐसी भक्ति है जिसका जिस समय महाप्रभु कह रहे हैं शायद उनके हृदय की स्थिति ऐसी है, महाप्रभु असमर्थ मानते हैं अपने आप को, कापी सरसा भक्ति चमत्कारिणी। कोई ऐसा भाव है जिसका मैं ठीक ठीक वर्णन नहीं कर पा रहा, कोई ऐसा भाव है जिसका मैं संकेत ठीक ठीक नहीं कर पा रहा। सरसा भक्ति चमत्कारिणी। तो ये जो प्रिया जी के श्री चरणों की जो ये चमत्कारिणी भक्ति है, ये जो अद्भुत अनुपम रस वैभव है इस वृंदावन का, ये रहस्य है, सबको सुलभ नहीं है। इसीलिए किसी रसिक ने कहा कि रहस्य रस है, और किसी ने कहा कि रस रहस्य है, और किसी ने कहा कि ये रस भी है और रहस्य भी है। बड़ा सरस रहस्य है। सरस रहस्य क्यों है? क्योंकि इस रहस्य को जो जानने की इच्छा है वो भी बड़ी मधुर है। तो जो इस रस को, इस रहस्य को जानने की जो इच्छा है, जैसे किसी वस्तु को प्राप्त करने में श्रम होता है, तो जो प्राप्त करने का जो समय है वो तो आनंद देने वाला होता है, लेकिन जो परिश्रम का समय है वो आनंद देने वाला नहीं होता। उसमें तो शरीर को श्रम होता है, किंचित कष्ट होता है, लेकिन ये जो रस रहस्य है, वृंदावन के रसिकों का जो आराध्य तत्व है, जो इष्ट तत्व है, ये जो रहस्य है, ये कृष्णचंद्र महाप्रभु कहते हैं कि महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्प्रहा। महाप्रभु का चिंतन देखिए, महाप्रभु के श्रीमुख से किया हुआ मंगलाचरण देखिए। महाप्रभु कह रहे हैं कि जिस दिशा में वृंदावनेश्वरी विराजती हैं, बोले उस दिशा को मेरा प्रथम प्रणाम है। तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेति। जिस स्तर पे ये भाव स्पर्श करता है वो स्तर सरस हो जाता है। इसीलिए रहस्य रस है, और इस रहस्य को जानने की जो इच्छा है, इस रहस्य को प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, वो भी बड़ी मधुर है, वो भी तृप्त कर देने वाली है, वो भी पूर्णता का अनुभव करा देने वाली है। फिर उस दिशा को प्रणाम करने के बाद महाप्रभु कहते हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा।